तो गाइस एक और कैंप साइट है जो आ चुकी है वाटर क्रॉसिंग के बाद। यहाँ पे गाड़ियों के लिए पार्किंग भी अच्छी खासी है और काफी सारी गाड़ियां है जो यहाँ रुकी हुई हैं, देखने को मिल रहा है। इनोवा और थार वगैरह भी दो चार यहाँ रुकी हुई है। तो गाइस नीचे एक पुलिस पोस्ट है। सर नीचे चले हम चंद्रताल की तरफ। 10 मिनट का रास्ता बस और बचा है, आपको दिखाएंगे चंद्रताल लेक। अपने जैकेट्स वार्मर्स लेकर आइए वरना गर्मेरजाई में रहिए। तो भाई नीचे एक पुलिस चेक पोस्ट थी, हाँ। वो पुलिस चेक पोस्ट क्रॉस करके आपको वहाँ पे अपने गाड़ी का नंबर वगैरह लिखवाना है, फिर वो आपको बताएंगे कि आपको कब तक वहाँ से वापस आना है और वहाँ पे क्या नहीं करना। तो स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि वहाँ पे स्विमिंग बिल्कुल नहीं करना, लेक के भी बिल्कुल पास नहीं जाना, बस दूर से एंजॉय करना है, फोटो खिंचानी है, देख के वापस आ जाना है। रहने के लिए लास्ट स्टॉप जो है वो पुलिस चेक पोस्ट के पीछे ही है। तो हम फटाफट अभी जा रहे हैं, हमको 5:30 तक का टाइम मिला है, 5:15 ऑलरेडी होने वाले हैं। तो 5:30 तक हम ऊपर देख के आराम से वापस आ जाएंगे। फिर अभी यहाँ पे दिन काफी है, धूप काफी है, तो अपना कैंप वगैरह सेटअप करने की ट्राई करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना कोई दिख नहीं रही ऐसी जगह जहाँ पे हमको कैंप लगाने देंगे, क्योंकि इनका बिजनेस वगैरह है। तो ये शायद हमको अपने कैंप से ही ऑफर करेंगे कि हम इतने में आपको अपना कैंप दे सकते हैं, पसंद है तो ले लो। बाकी आप ये वाली सड़क देख सकते हो, ये भी वैसी टूटी हुई है, पर नीचे से थोड़ी साफ है। सड़क तो यहाँ पर है ही नहीं है, मनाली से अटल टनल तक सड़क है, उसके बाद कोई सड़क नहीं है। उसके बाद तो ये पत्थर, रेत, पानी, हवा, ठंड है। तो ये वाली जो चढ़ाई है काफी ज्यादा स्टीप है। आजा आजा आजा। ले जा ले जा। गाइस चंद्रताल लेक अभी भी 2 किलोमीटर बची है और जो ये चढ़ाई है ना काफी ज्यादा स्टीप है, तो गाड़ी की पावर काफी ज्यादा लग रही है। सारा पहले ही ट्रैक होगा देखा, गड्डी अपन गड्डी चढ़ ली उत्थे तक उठो। हां हां मेरा हम गड्डी जान दे पैन जो लोरी जीर दी मां। देख चल प्लेन ही है कि उसमें लगा वो आ गया इंडिया वापस। गर्मी ठंड भी है, गर्मी है। गाइस चंद्रताल लेक पहुंच चुके हैं, बस आधा किलोमीटर और बचा है। बिल्कुल सामने यहाँ से दिख रही है चंद्रताल लेक, बिल्कुल सामने। तो टाइम हो रहा है 5:30 बजे, 5:20 हुए, 5-7 मिनट का रास्ता और है। पूरे 7 बजे पहुंच जाएंगे चंद्रताल लेक पे। तो सुबह हम अपने हॉस्टल से चले थे 7 बजे और चंद्रताल लेक पहुंच गए 5:30 बजे। तो गाइस सामने सारी गाड़ियां वगैरह खड़ी है, तो वहीं पे लग रहा है कि पार्किंग करके आगे पैदल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारी ट्रैवलर्स वगैरह खड़ी है, यहीं पे सारी गाड़ियां पार्क वगैरह होती है। लेक सुख गई। तो ये लाइन वाइज सारी जो हमारे आगे जो थार आई थी सारी खड़ी है लाइन वाइज, यही पूरी पार्किंग है। तो यहाँ पे एक साइड में गाड़ी दबा के पूरी लगा दे ताकि गाड़ी बस जाने के लिए जगह होनी चाहिए। देखते लाइन वाइज कितनी थार खड़ी है भाई, बस गिनते जाओ आप। और गाड़ियों की हालत आप देख सकते हो, पूरी एकदम मिट्टी से भरी हुई है। तो गाइस यही पूरी पार्किंग है, यहीं से आपको गाड़ी बैक करके वापस लगानी है। तो यहाँ पे बस गाड़ी थोड़ी सी आपको दबा के अंदर को लगानी है ताकि किसी गाड़ी को निकलने में दिक्कत ना आए। पहाड़ तो नीचे की अपनी गड्डी वही तो डर है। चंद्रताल लेक तो पहुंच चुके हैं। यहाँ से बस 400-500 मीटर हमको पैदल जाना है और आगे पानी है। चंद्रताल की पार्किंग में पहुंच के यहाँ पे देखो अपनी गाड़ी है जो पार्क हो चुकी है, पूरी सारी गाड़ियाँ पार्क हो खड़ी है। ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि हुडी डालनी पड़ी अभी के अभी निकाल के। धूप पड़ रही होगी, आपको दिख रहा होगा सामने धूप है, लेकिन यहाँ पे छाँव में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। तो हुडियाँ निकाल ले डाल के अभी कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर पैदल चलना है। तो टाइम अप्रोक्सीमेट 5:35 हो चुके हैं। देखते हैं कि पैदल कितनी देर में यहाँ से पहुँच जाएंगे और फिर फटाफट लेक देख के वापस जाएंगे। तो ये देख सकते हो आप पूरी कैसे यहाँ पे पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं। अलग अलग जगह से सब लोग यहाँ पे आए हैं और फाइनली हम 4 लोग भी पहुँच चुके हैं। सब ठीक है सारे तो बढ़िया। बस आज हमारा ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा थक गया होगा चला के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगी है। तो ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक गाड़ियाँ जा सकती हैं। इसके बाद आपको लगभग 1 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो करना है। यहाँ से आगे ऐसे ट्रैक है, ऐसा कुछ ट्रैक है जो आपको करके जाना है ऊपर। मेरे पैर कदे रेस, कदे ब्रेक, कदे एक्सेलेरेटर। क्या हो रहा है? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। गाड़ी चलाने में पहली बार 10 घंटे की ड्राइव की है। बाहर से कुछ है, अंदर से फटी पड़ी है। तो ऐसे आपको ट्रैक करते ऊपर जाते रहने। ऐसे कुछ मैग्निफिसेंट व्यूज है। तो ये ट्रैक को ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, सारा रास्ता प्लेन ही है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम है तो उसके वजह से थोड़ी सांस चढ़ रही है। मेरा तो हवा तेज़ हवा की वजह से सिर भी दुख रहा है, लेकिन ट्रैक को ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्लेन ही है रास्ता पूरा। देखो पूरा प्लेन सड़क है, आराम से चलते जा सकते हैं। सोना तो देखो जी मैं ही लग रहा, 24 घंटे गड्डी 'च बैठा रहूगा, सोहना ही लगूगा। जेड़े पानी आ बॉर्डर क्रॉसिंग पैदल क्रॉस करने के साडे जिगरे वाले, गड्डी चलानी सौखी पई आ। इन्हां नूं कौन समझावे? इन्हां दा क्लच न्यूट्रल दा ब्रेक दा नहीं पता, तिन्नां 'च केड़े हुंदे आ। कल दे जवाक 100cc स्प्लेंडर ते बैठ चलाउण वाले, 50cc गड्डी दा की पता इन्हां नूं। पीछे व्यूज देखो, चारों तरफ व्यूज दिखाओ इनको, हमारी पब्लिक को। पीछे जो व्यूज अभी आप देखोगे ना वो सबसे जबरदस्त है। पीछे दिखा। इस कैमरा मैन को ना कोई सैलरी नहीं मिलती है, ये ऑनरली काम करता है इसके लिए। ये वाले व्यूज चेक करो और इन दोनों की। आपको तो इंग्लिश आती नहीं होगी, हिंदी में कहते हैं पहाड़। तो गाइस फाइनली चंद्रताल लेक के पास पहुंच चुके हैं। और देखो सामने बिल्कुल चंद्रताल लेक को आप दूर से ही देखें, चंद्रताल लेक के पास ना जाएं, बहुत ही ज़्यादा गहरी लेक है। अभी और जाना है वहां तक पैदल। तो बिल्कुल सामने लेक है चंद्रताल लेक, पहाड़ों के बीच में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। एकदम ग्रीन कलर का पानी है। पास जाके देखते हैं कैसे दिखेगी। और ऐसे कुछ व्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस 20 मिनट की वॉक है बस, नीचे पार्किंग जहाँ से गाड़ी खड़ी है वहाँ से 20 मिनट की वॉक है। ई वॉक तो ट्रैक है बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ईजिली आप यहाँ पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो ये अब जो रास्ता है बिल्कुल प्लेन हो चुका है, ये पूरा यहाँ पे जो नदी है बह रही है, नदी तो नहीं छोटी सी कैनल कह सकते हैं। तो गाइस आ चुकी है यहाँ पे, ये ब्रिज क्रॉस करके दूसरी साइड जाना है। तो यहाँ पे ब्रिज बना रखा है क्रॉस करने के लिए। तो गाइस फाइनली चंद्रताल लेक के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं व्यू। यहाँ पे वार्निंग भी पढ़ लें, लेक है जो बहुत ज़्यादा डीप है, स्विमिंग यहाँ पे ना करें और इसको बिल्कुल भी अंदर जाने की कोशिश ना करें। तो गाइस टाइम हो रहा है शाम के पूरे 6 बजे और फाइनली हम चंद्रताल लेक है जब पहुंच चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू है यहाँ पे, आपको क्या बताऊँ, जो हवा आ रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा शुद्ध है। यहाँ पे पूरा फ्लैग्स वगैरह भी लगे हैं, बिल्कुल चंद्रताल लेक के आप आसपास तक जा सकते हैं, लेकिन अंदर नहाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें क्योंकि लेक है जो काफ़ी ज़्यादा डीप है। और व्यूज़ इंजॉय करो, और बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ। गाइस देख सकते हो कितना अमेजिंग व्यू है यहाँ पे, और जो हवा चल रही है बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है। ये लास्ट व्यू है जहाँ तक आप आ सकते हैं। तो गाइस बिल्कुल पीछे मेरे आप देख सकते हैं चंद्रताल लेक, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और साफ लेक है। यहाँ पे गंदगी बिल्कुल भी ना करें, कुछ और नज़ारे आप देख सकते हैं चारों तरफ कितने ज़्यादा सुंदर है। और ठंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, धूप आपको लग रही होगी लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि इतनी तेज़ हवा चल रही है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। चल स्टार्ट करते हैं। तो गाइस टाइम हो रही है 6:30 बजे और पूरा जो चंद्रताल लेक है वो खाली करवा दी गई, क्योंकि इसमें लास्ट टाइम होता है कि 6:30-7 बजे तक वापस चले जाए। और व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे तो हमने भी सारी फोटोज़ वीडियोज़ खिंचवा ली। अभी जा रहे हैं वापस नीचे, जो चेक पोस्ट है उसके पास ही रहने के लिए कैंप वगैरह आपको मिल जाएंगे। अभी प्राइस पता नहीं किया, जाके नीचे पता करते क्या प्राइस में हमको मिल जाएंगे। सब लोग वापस चल पड़े अपने कैंप्स की तरफ, और जैसे यहाँ से सूरज गया ना ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हाथ जमने शुरू हो गए। तो गाइस व्यूज एंजॉय करो, चंद्रताल लेक क्या ही लग रही है यहाँ पे। तो गाइस एकदम से जो ठंड है ना इतनी ज़्यादा बढ़ गई, टेम्परेचर 5-6 डिग्री के आसपास होगा और हाथ है पूरे जमने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप भी यहाँ पे बिना गर्म कपड़ों के बिल्कुल ना आए, रात को तो टेम्परेचर -2, -3 के पास जाएगा, तो उसके हिसाब से कपड़े यहाँ पे ज़रूर लेके आए। थोड़ा सा आराम से चलो, रास्ता स्लिपरी है। सो गाइस जो ठंड है ना बहुत ज़्यादा लग रही है, सिर भी हल्का घूमने लग गया और ऊपर से ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ जाता है, लेकिन टॉप पे पहुंच चुके हैं। अभी आपको बहुत ही ब्रिलियंट व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। वो देखो यहाँ पे व्यू देखो कितना ज़्यादा औसम है। तो ट्रैकिंग का रास्ता देख सकते हैं। वैसे तो मोस्टली प्लेन ही है, पर ऑक्सीजन थोड़ा कम है, उसके वजह से सांस वगैरह चढ़ जाती है। तो गाइस एक बार कैंप फिर से आ चुके हैं चेक पोस्ट पे। टाइम देख सकते हो 7:10 हो रहे हैं और एक बार दोबारा कैंप्स पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो कैंप्स है काफी सारे, अभी जाके प्राइस वगैरह पूछेंगे कितना प्राइस लेंगे। तो जी ये आ गई है पुलिस की चेक पोस्ट, ये भी हमने वापस कर ली। तो जी कैंप साइट पे पहुंच चुके हैं। तो गाइस कैंप साइट आ चुकी है। यहाँ पे अभी दिन काफी ज्यादा है, तो अभी पता करते हैं सारे कैंप साइट के रेट और पूछेंगे कि अगर हम अपना खुद का कैंप लगा सकते हैं तो वो भी देखते हैं। तो गाइस ये जो आपको टेंट दिख रहे हैं ये 3500 पर पर्सन के, और जो अल्पाइन टेंट दिख रहे हैं वो है 2000 पर पर्सन। और जो यहाँ पे सारे टेंट्स वगैरह है ना, सारे के सारा फुल हो रखा है, तो यहाँ पे आपको प्री बुकिंग करके भी आना पड़ेगा क्योंकि सारे यहाँ पे फुल है ऑलमोस्ट। तो अभी हमको जगह ढूंढनी है जहाँ पे हम खुद का टेंट लगा पाए। तो गाइस यहाँ पे पूरी पार्किंग है और यहाँ पे काफी सारे टेंट है। ये वाला 4000 पर पर्सन के हिसाब से ले सकते हो आप, 4000 पर पर्सन। गाइस यहाँ जितने भी कैंप आप देख रहे हो सारे कैंप्स है जो फुल है, तो रेंट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे 4000 पर पर्सन के हिसाब से। लेकिन हम अपना कैंप जो लेके आए हैं यहाँ पे लगाने वाले 300 रुपये पर कैंप के हिसाब से आप अपना कैंप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। खाने वगाने के लिए वो पीछे सामने किचन है और उसके साथ ही डाइनिंग है, वहीं बैठ के खाना खाएंगे क्योंकि जो यहाँ टेम्परेचर है काफ़ी जल्दी ड्रॉप होने वाला। टाइम हो रहा है 7:30 बजे और अभी कैंप लाएंगे इमीडिएटली, अपना फटाफट कैंप सेटअप कर देंगे और फिर खाएंगे खाना वाना। ये देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी कैंप्स वगैरह लोगों ने अपने खुद के लगाए हैं, ये वाले यहाँ के, और ये पूरी पार्किंग है। सो गाइस टाइम हो रहा है 7:30 बजे। टाइम देख सकते हो, सुबह 7 बजे चले थे मनाली से, पूरे लगभग 12 घंटे लग गए। पूरा मनाली से चंद्रताल आते हुए, फिर चंद्रताल का ट्रैक करते हुए, चंद्रताल के ट्रैक पे जाके सारा देखा। अच्छा अब यहाँ पे कैंप साइट ढूंढी है। यहाँ पे जितने भी कैंप्स है ना सबके सब बुकड है, या तो ना सब बहुत कैंप जो बड़े हैं उसके लिए आपको 4000 पर पर्सन देना पड़ रहा है, 3500 पर पर्सन मिनिमम। यहाँ पे जो टेंट है, जो अल्पाइन टेंट है, उसके लिए आपको 2000 पर पर्सन देना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास किस्मत से जो मैं टेंट जो टेंट में केदारनाथ लेके गया था वो हम यहाँ पे लाए हैं, तो खुद का टेंट अभी सेटअप करेंगे, खुद की मैगी वगैरह कुकिंग करेंगे और डिनर करने के लिए तो यहाँ पे है ही, तो डिनर वगैरह भी करेंगे। तो फटाफट अभी लाते हैं टेंट और स्टार्ट करते हैं टेंट को सेटअप करना। अपनी गाड़ी की जो कोई नहीं लाते, चल कोई नहीं कर ले, गाड़ी को अभी बैक करके लगाते हैं। तो भाई अभी यहाँ पे अपने टेंट निकालते हैं डिक्की से और चटाई वगैरह सब लोग। तो सबसे पहले तो हम ये रिंग लाइट भी लाए हैं, अभी जो अंधेरा हो जाएगा ना, अंधेरे में रिंग लाइट बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये रिंग लाइट पढ़ लेना। ये हमारे कंबल है, कंबल फाड़ ले आगे पार, आगे पार बरे तू आगे रख देना कंबल। जेडी चीज सिर्फ टेंट काट के पास से करने हल्का या टेंट काट बार वो सारा कुछ के काट रहा फिर हमने टेंट काट दे चटाई काट दे टेंट के अंदर ही बिछाएंगे। चल फिर आप उसको ऑफ